अपने बंदों कमालात कैसे हैं उसके। चूजे अंडे को देख लो आप, जब मुर्गी अंडा देती है उसको तोड़ के देखो कहीं चोंच नजर आती है आपको उसके अंदर? मेरा ख्याल है मनोड़ा में आती होगी आप लोगों को, है भाई कहीं चोंच नजर आई? कहीं उसके अंदर पर नजर आते हैं? एक जर्दी है एक सफेदी है, पका के खा जाओ। मुर्गी में कोई अकल है? लेकिन मुर्गी अंडा देते 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 उसको कौन सिखाता है कि अभी तू इन अंडों पे जाके बैठ जा। हमें मस्जिद में एतकाफ में 10 दिन बिठाने के लिए पूरे साल इमाम साहब तकरीरें करते हैं, तब जाके हम बैठते हैं। फिर भी सब लोग नहीं बैठते, थोड़े से बैठते हैं, ज्यादातर बाहर रहते हैं। क्या ख्याल है? 10 दिन के लिए हमको एक जगह, फिर एक जगह भी नहीं बैठते, मस्जिद में भी फुदकते रहते हैं, कभी वहां बैठ गया कभी उधर जाके उधर बैठ गया कभी उधर बैठ गया कभी उधर बैठ गया, कभी वुजूखाने कभी बैतुल खला बैठ गया, तो अब निकल ही नहीं रहा वहां से। अब तो पुलिस बुलवानी पड़ेगी, भाई बाहर आ तू यार, और भी लोग घुसेंगे अंदर। जो नहीं बैठने की जगह है वहां घंटों घंटों बैठेगा। मस्जिद की सफ में नमाज के इंतजार में 5 मिनट बैठना मुश्किल इसके लिए। ये वो इंसान है जो बड़ा ज़हीन है, जिसको पता है कि मस्जिद में बैठने का फायदा है। मुर्गी में क्या अकल होती है? बोलो, जानवर है, उसे क्या पता। लेकिन अल्लाह ने उसको कैसा सिखाया है, कैसा सिखाया है। अंडे देगी, दे के दे, थोड़े दिनों के बाद जाके उसको कुड़क होना शुरू, उसको ख्याल आता है भाई मेरे अंडे कहाँ हैं, है भाई बैठना है मैंने। कौन सिखा रहा है उसको? क्या उसकी माँ ने सिखाया ये? उसकी माँ तो छोड़ छाड़ के पता नहीं कब से गई हुई है, उसने अपनी माँ को तो देखा ही नहीं अंडों पे बैठे हुए। इसलिए कि जब वो था उसको तो, उस वक्त तो उसमें जान नहीं थी, हयात नहीं थी। कैसे आगे बैठती है थोड़े दिनों के बाद, फिर कैसे 21 दिन तमीज से आके बैठती है, अपना खाना कुर्बान, अपना पीना कुर्बान, हालांकि उसने किसी मुर्गी को पहले बैठे हुए नहीं देखा। कितने बड़े बड़े दलाइल हैं अल्लाह के होने के, अल्लाह की कुदरत के। इतनी छोटा सा दिमाग है मुर्गी का। आपने कभी देखा होगा ना, भैंस के मगज पका के खा लिया होता है ना, बकरे का मगज भी लोग पका के खाते हैं। कभी सुना मुर्गी के मगज बिक रहा है मार्केट में? कभी सुना आपने? क्यों नहीं? इतना छोटा सा मगज है, कसाई कहेगा इसका मगज निकालने में मेरा अपना मगज खत्म हो जाएगा। इतना छोटा सा मगज, 2 टिपके होंगे, वो कौन खाएगा यार उसको, किसको खिलाओ? वो निकालने में घंटा लगेगा और निकलेगा क्या इतना सा मगज? वो कह रहा है पूरी सिरी उबाल के पी जा भाई तू, इसी में मगज आ जाएगा। ऐसा ही होता है ना। लेकिन इतना सा मगज उसका, इतनी सी खोपड़ी, 2-4 तारे होंगी उसके अंदर। दिमाग कैसा है उसका, कैसे पांव मारती है, दाना चुगती है, फिर अंडों पे जाके आराम से बैठ जाती है। और आपको पता है मुर्गी अगर एक ही जाविये से अंडों पे बैठी रहेगी तो चूजा उससे नहीं निकलेगा। मुर्गी उन अंडों को घुमाती है, जैसे हम टिक्का पकाते हैं ना, टिक्का पकाते हैं तो रख के चले थोड़ी जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ से, अब थोड़ा इधर टन मारा उसको, इधर भी पका भाई तो इधर से जल ना जाए कहीं, फिर थोड़ा इधर। मुर्गी भी क्या करती है, रोजाना उसको अंडों को घुमाती, इधर से तो मैंने हीट दे दी है इसको, अब थोड़ा सा यहां से। उसको किसने बताया कि इसके अंदर से तेरे बच्चे पैदा होंगे? क्या ये खुद ब खुद उसमें इतनी अकल आ गई है? तो ये भी तो कोई जात है। आपको ये तो बता दिया ये मेरा बाप है, इसलिए कि ये घर में राशन लेकर आता है, ये घर गैस बिजली का बिल देता है, इससे बाप समझ में आ गया। मुर्गी जब अंडों पे बैठती है और उनको सेती है, उससे खुदा समझ में नहीं आ रहा। वो फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि खुदा कौन है, उसके क्या कमालात हैं। तो ऐसे उनको घुमाती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता। 21 दिन तक कैसी कुर्बानियां देती है, खाना पीना छोड़ देती है, वजन उसका गिर जाता है, क्योंकि उसको पता है मैं अगर इसी तरह खाना खाती पीती रहूंगी तो अंडों से चूजे, बोलो, नहीं निकलेंगे। और फिर आखिर एक एक करके चूजा निकलना, अल्लाह की कुदरत। ना उसमें आंख थी, ना नाक था, ना जर्दी थी, बस उसी जर्दी से क्या क्या बनना शुरू हो गया भाई। पर भी बन रहे हैं, चोंच भी बन रही है, आंख भी बन रही है, चूजे का दिल भी बन रहा है, और क्या बन रहा है, सिर्फ हीट मिल रही है उसको। 21 दिन क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। उस हीट से उसके अंदर ऐसे इनकलाब आना शुरू, और थोड़े दिनों में 21 दिन के बाद चूजा चोंच मार के बाहर। जैसे ही बाहर आया है, मुर्गी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि किसका बच्चा है, मेरा बच्चा है। अब किसी का बाप इसके करीब आके दिखाए, फिर 24 चूजे भी हो ना, 24
आप कोई नया चूजा ला के छोड़ के तो दिखाओ। मुर्गी को एक दिन में पता होता है मेरा वाला कौन सा है और बाहर से माल कौन सा आया है, जाली कौन सा है इसमें। एक दिन में इतनी होशियार हो गई, सबके कलर एक जैसे, बिल्कुल उसी कलर का चूजा ला के छोड़ दो आप, मार के उसका हशर नशर कर देगी एक मिनट में। अपने बच्चों की इतनी समझ उसको कहां से पैदा हो गई। फिर उन बच्चों को, उसको पता है कि इन बच्चों को पालना कैसे है। उन बच्चों को बाजरा तोड़ तोड़ के खिलाएगी। आप बड़े बड़े बाजरे डालो, मुर्गी क्या करेगी, तोड़ती है उसको ताकि चूजे खाएं। फिर जहां जहां मुर्गी, चूजे उसके पीछे पीछे। चूजों को पता है ये हमारी कौन है, माँ है। सर्दियों में अपने परों में छुपा लेगी, बिल्ली से लड़ेगी। और दूसरी मैंने मुर्गियां पाली हमारे, जब भी आपको पता है नई मुर्गी लेकर आओ ना, पुरानी मुर्गी उसका इस्तेमाल करती है बहुत अच्छे तरीके से। मुर्गियों में हसद बहुत होता है, जेलिसी। तो मेरे पास 5-6 मुर्गियां थी, मैं एक नई मुर्गी लेकर आ गया। वो नई मुर्गी कमजोर भी थी, तो पुरानियों ने ना उसकी गत बनाना शुरू कि ये क्यों आ गई है, ये जैसे कोई नई पड़ोसन आ गई हो ना आपके महल्ले में जिसको आप पसंद नहीं करते। मुर्गियों ने उसकी मार कुटाई शुरू कर दी। मैंने बेचारी को अलग डड़बे में रख दिया कि ये तो मर जाएगी, जख्मी कर दिया उसको। उसके नीचे हमने ला के रख दिए अंडे। तकरीबन 12 चूजे निकले उसके अंदर से। जिस दिन उसमें से चूजे निकले हैं ना, अब वो 5-6 मुर्गियां आगे आगे और ये पीछे पीछे। अब बच्चों की हिफाजत के लिए ना अल्लाह ने इसमें इतनी कुव्वत पैदा कर दी, सेहत वही है पुरानी, कॉन्फिडेंस, कुव्वत, ताकत इतनी पैदा हो गई है कि अब कोई मुर्गी इसको छेड़ने का नाम नहीं लेती। ये अल्लाह ने उसके दिल में रखा कि तू अगर आज मर जाएगी तो तू अकेली नहीं मरेगी, तेरे बच्चे भी मर जाएंगे। इससे ये भी पता चलता है कि जिस औरत के बच्चे होते हैं उसमें कॉन्फिडेंस, एतमाद पैदा होता है, उसमें कुव्वत पैदा होती है। 1-2 बच्चों के साथ औरत ताकतवर नहीं बनती। समझते हो कि नहीं समझते हो? अभी नहीं समझे, अभी बाद में समझाऊंगा ये अच्छी तरीके से और ज्यादा, अभी समझ में नहीं आया आपको। तो भाई इस तरीके से अल्लाह क्या कर रहा है, हमें मुर्गियां खिला रहा है। ये मुर्गी सारे काम किसके लिए कर रही है, बोलो ना, हमारे लिए कर रही है, अपने लिए थोड़ी कर रही है। वो इतने मेहनत से, मोहब्बत से चूजों को पाल पोस के बड़ा करेगी, काट के कौन खाएगा, हम खाएंगे। ये हमारे लिए हो रहा है सारा। तो अल्लाह ताला के एहसानात भी हैं, अल्लाह ताला के कमालात भी हैं। तो इन कमालात और इन एहसानात की वजह से अल्लाह हमसे एक मुतालबा करते हैं। मुतालबा ये करते हैं